नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप अपने बच्चों के प्रति सावधान रहें। जैसा कि आपका बच्चा अधिक पतंग उड़ाता है तो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपको बताते चलूं, हाई टेंशन तार से बिजलियां जो है सीधे डोरी में उतर जाता है और बच्चा सुलझ जाता है। ऐसे बहुत सारी आंखों देखा घटनाएं देखी गई है, जैसा कि आप सभी को सावधान करता आया है आज सुबह टाइम्स। आप सभी लोग इसे अमल में समझें और अपने बच्चों को समझाएं कि आप पतंग मत उड़ाइए। बिजली की तारों के पास तो बिल्कुल भी पतंग उड़ाने की ज़रूरत नहीं। यदि आपका घर रेलवे स्टेशन के आसपास है या रेलवे लाइन के आसपास आपका घर बना हुआ है और रेलवे लाइन के जो है हाई टेंशन तार गया है, तो आपसे सावधान करता हूँ कि आप अपने बच्चों को खूब समझाएं, पतंग बिल्कुल भी ना उड़ाने दें। क्योंकि उस पतंग से जब हाई टेंशन तार में पतंग उड़ते उड़ते फंस जाता है तो उस डोरी के अनुसार तुरंत जो है बच्चे के जीवन पर आ जाता है। तो इसलिए आप सभी से बताना चाहता हूँ कि हाई टेंशन से अपने बच्चों को सावधान करें कि वहाँ बिल्कुल भी ना उड़ाएं, और यहाँ तक करें कि उड़ाने ही ना दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिली है कि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चा बहुत शौकीन होता है और वह उड़ाते रहते हैं छतों पे और जो है मैदानों में। हाई टेंशन तार जाता है तब भी जो है उसका जो है उन्हें पता नहीं होता। इसलिए आप बड़े हैं, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, घर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप सभी लोग अपने बच्चों को पतंग ना उड़ाने दें। यदि इस तरह से पतंग उड़ा रहा है तो आप उस पतंग को तोड़ दें, नहीं तो आपके बच्चे का खतरा बहुत बड़ा उत्पन्न देखी जा सकती है। कई बच्चे पतंग उड़ाते समय हाई टेंशन तार से अपनी जीवन खतरे में डाल दिए, यहाँ तक कि पूरा शरीर झुलस गया है। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमेशा बताते रहें कि हाई टेंशन तार के पास पतंग जैसे ना उड़ाएं या बिल्कुल ना उड़ाने दें। बहुत सी खबर आया है कि हाई टेंशन तार से बच्चे सुलझ जाते हैं और उनका जीवन और ज़िंदगी सुलझ गई है और खतरे में पड़ गई है। इसलिए आप सभी गांव के रहने वाले हैं, कस्बा के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, तो आप सभी लोग सावधान रहें। अपने बच्चों को सावधानी पूर्वक से उन्हें समझाएं कि पतंग बिल्कुल ना उड़ाएं, उन्हें डांटें और हाई टेंशन तार के पास बिल्कुल भी पतंग उड़ाने ना दें। आपसे एक और अपील है कि यदि आपका रेलवे के किनारे या मेट्रो के पास आपका घर है तो वहाँ पर भी हाई टेंशन तार जैसे बिजलियाँ हमेशा दौड़ती रहती है। आप सभी लोगों से जागरूक करता हूँ कि पतंग अपने बच्चों को बिल्कुल ना उड़ा दें, क्योंकि बहुत सारे खतरा देख सकते हैं कि बिजली के माध्यम से हो रही है। तो इसलिए आप सभी से अपील है कि आप अपने बच्चों को खूब समझाएं और पतंग बिल्कुल भी ना खरीदें और ना उड़ाएं। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।